अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर हाजिर हैं और इसका नाम है वाइट चिकन कढ़ाही। ये हम बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि चिकन 1 किलो, और उसके लिए है कि पहले हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए पैन में हमने ऑयल डाल दिया है और साथ ही फ्लेम ऑन कर दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जो है वो एक टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे ऑयल में, और उसके बाद उसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो ये व्यूअर्स अब तकरीबन गर्म हो चुका है, तो इसमें हम चिकन ऐड करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा चिकन अब हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम 4 to 5 मिनट यानी 4 से 5 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ये फ्राई हो चुका है हमारा चिकन और हमने इसकी जो है फ्लेम बंद कर दी है। अब इसमें से हम ऑयल निकाल देंगे, और अगर आप चाहते हैं आपका ये रेसिपी ख़राब ना हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखिए। से अब हमने ऑयल निकाल दिया है और इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल हमने रहने दिया है, वेजिटेबल ऑयल जो इसमें हमने डाला था। अब इसमें 3 टेबल स्पून हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 5 मिनट के लिए लहसुन और अदरक के साथ कुक करेंगे। लहसुन अदरक डाला है हमने और इसके साथ हम तकरीबन 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको अब हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लहसुन अदरक के साथ और पानी के साथ। 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया है वाइट पेपर, और इसी तरह 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा पाउडर, नारियल पाउडर या कोकोनट पाउडर आप कर लें इसको। ये हमने 1.5, अब हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब ये कुक हो चुका है, अब हम इसमें 300 ml जो है वो क्रीम ऐड कर देंगे। ये टेट्रा पैक जो मिलता है इस साइज़ का, ये आप 1.5 पैकेट डाल देंगे तो ये आपकी क्रीम हो जाएगी। जी क्रीम इसमें हमने ऐड कर दी है 300 ml, तकरीबन 1.5 टेट्रा पैक जो होता है वो। अब इसको हम लो फ्लेम, इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब ये कुक हो चुका है, ये देखिए इसका ऑयल बहुत अच्छे तरीके से निकल रहा है, हो चुका है कुक। अब हम इसमें जो है वो 1/4 कर लें या 1/2 कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, ब्लैक पेपर आपने इसमें शामिल करनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1/2 कर लें, कम पसंद है तो 1/4 डाल दें। और इसके अलावा इसी तरह आपने जो है वो हाफ हम ऐड करेंगे पिसा हुआ, और इसमें हम फिर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, ये इस तरह से काट के ये दरमियान से इसको हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। ये हमारी जो है वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हमने रेस्टोरेंट स्टाइल की बनाई है, बिल्कुल रेडी है। हम इसको किसी भी बाउल में निकाल देंगे। ये हमारा वाइट चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल का हमने बनाया है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी, नान, पराठा, रोगनी नान, जिससे आपका जी चाहे। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।